सपने लेने का हक सबको होता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर किसी के सपने पूरे हो। छोड़िए रेलवे का चक्कर और दफन कर दे अपने इन सपनों को संदूक में। तेरी किस्मत का बनिया तू खुद ही है मुखिया। चल चल बंदिया बंदिया बंदिया, चल चल बंदिया बंदिया बंदिया, चल चल बंदिया चल चल बंदिया बंदिया बंदिया। Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. How are you all? I hope you guys are nice and doing well. Now, थोड़ा सा चल रहा है यार आजकल दिक्कत, थोड़ी सी ALP का एनालिसिस के चक्कर में हमारी क्लास थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, बट कोई नहीं, इट्स ओके, है ना। तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में, और फटाफट से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं बिना टाइम लिए हुए। सो गाइज, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। माय नेम इज हर्ष, बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, जिनमें से बेसिकली हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो बेसिकली इंप्रूवमेंट के भी लेके आए हैं और एरर के भी क्वेश्चंस है। तो बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। बेंट एट को अंडरलाइन किया है मैंने अभी, और आपको बताना है कि क्या सेंटेंस किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर सेंटेंस किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा इन तीनों ए बी सी में से कोई एक, और अगर किसी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, नो इंप्रूवमेंट। आंसर करेंगे सारे के सारे। हाँ जी, फटाफट से। It's not working. चल नहीं, कोई बात नहीं, it's okay. Band on, band four. B. अलग अलग आंसर है, कोई band four बोल रहा है, कोई band on बोल रहा है, कोई band upon बोल रहा है। B. Band four. हाँ जी, तो बहुत सही आंसर किया है, बेंट ऑन और अपॉन एक बच्चे ने आंसर किया है, और वो सही है। हम बेंट के साथ में या तो ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, बेंट ऑन डूइंग समथिंग, है ना, ऑन आ सकता है, अपॉन आ सकता है, ठीक है। तो बेंट ऑन डूइंग समथिंग यहाँ पे गेटिंग आ रखा है, जो कि एकदम सही है। अब बात है ऑन और अपॉन, चूंकि दोनों सही होते हैं, सेंटेंस बी में, ऑप्शन नंबर बी में आपको अपॉन दिया गया, यही आपका सही आंसर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इट बिकेम क्लियर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे। इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर। ये इनटू आपके अंडरलाइन कर दिया मैंने, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी, अलोंग, टूवर्ड्स, ऑन और नो इंप्रूवमेंट। अगर हेडिंग अपने साथ में इनटू प्रेपोजिशन लेता है तो आपका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट, और अगर हेडिंग अपने साथ में इनटू प्रेपोजिशन नहीं लेता है तो आपका आंसर अलोंग, टुवर्ड्स और ऑन में से कोई एक होगा, जो आपको चूज करना है। फटाफट से आंसर करेंगे साहब, ठीक है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर करेंगे सारे के सारे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आंसर करेंगे इसको। हाँ, टूवर्ड्स बी। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर किया है, हेड टूवर्ड्स होता है, और जिन बच्चों का थोड़ा सेंस अच्छा है उन्होंने सही आंसर किया है। हम हेडिंग फोर भी कर सकते हैं, टूवर्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन इनटू नहीं कर सकते, और यही आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है बेटा, है ना, आई एम बैक, ओके, गुड दैट यू आर बैक। सो बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पे आंसर जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेडिंग टूवर्ड्स। So it became clear that the strangers were heading towards a serious disaster. तो उनका एकदम सही हो गया, ठीक है। बेटा कुछ दिक्कत हो गई होगी आज, वरना जनरली आते हैं ना। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम।
लेट्स मूव टू दी क्या हुआ तीसरे क्वेश्चन की तरफ. तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है. हाँ जी आंसर करेंगे बिल्कुल. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. पहले दो क्वेश्चन के बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है. आंसर करो. हाँ जी तीसरा क्वेश्चन 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस. यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला पार्ट ये है क्या? नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस तक वाला. हाँ ये अंडरलाइन वाला पार्ट है. आपको सही ऑप्शन चूज करना है. तो भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं. हाँ जी देखेंगे सारे के सारे. Is R फंक्शन वांगडू इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस. अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हैं. हाँ जी ठीक है ठीक है. एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था. वो ये था, उसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रीआइट्रेट मैं कर रहा हूँ. टाइम मनी वेट और डिस्टेंस ठीक है. इनकी यूनिट के साथ में कोई नंबर आए. इनकी यूनिट्स यूनिट्स जानते हो ना. टाइम की यूनिट क्या होती है? आपके मिनट होता है, सेकंड होता है. मनी की यूनिट क्या होती है? सब आपके रुपीज़ होता है, डॉलर होता है. वेट की किलोमीटर होता है. डिस्टेंस वेट की तो सॉरी पाउंड हो गया, किलोग्राम हो गया ठीक है. डिस्टेंस की किलोमीटर हो गया, माइल हो गया. तो इनकी यूनिट्स के साथ में अगर कोई नंबर आए, अगर मान लो कोई संख्या आए इनके साथ में, तो बेसिकली वो एक सर्टेनिटी को शो करती है. एक सर्टेन हाइट को, सर्टेन टाइम को, सर्टेन वेट को, सर्टेन मनी को, सर्टेन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है. और जैसे ही एक निश्चित रकम को, समय को, अमाउंट को, भार को, दूरी को दिखाए, तो हम इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नंबर प्लस यूनिट मिल करके एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है. अगर ये मिल करके एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हो रही होगी, तब भी हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक निश्चित टाइम को, मनी को, वेट को या डिस्टेंस को दिखा रही है. तो यहाँ पे ये देखो 20 किलोमीटर आपके एक सर्टेन डिस्टेंस है. और आप सबको मैंने अभी अभी बताया है कि एक सर्टेन दूरी के लिए, एक निश्चित दूरी के लिए हम हमेशा कैसी वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. अगर अब हम ऑप्शन देखें, हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हमारा हो नहीं सकता, सी हमारा हो नहीं सकता, ऊपर आर दे रखा है, नो इंप्रूवमेंट हमारा हो नहीं सकता. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज 20 किलोमीटर के साथ में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है और इसी वजह से सेंटेंस आपका ये सही हो गया. सो 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स इज द करेक्ट आंसर. तो जिन भी बच्चों ने ए को आंसर किया उन सबका करेक्ट आंसर हो गया. हाँ सोमदत्ता दुबे हाँ बिल्कुल सही आंसर किया है. विद्यामणि त्रिपाठी एकदम सही आंसर किया है. तो जिन जिन बच्चों ने इसको आंसर किया उनका सही हो गया. लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, मैं डिस्कस कर चुका हूं. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें. चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट जो है वो कौन सा देखते हैं साहब. अंडरलाइन पार्ट जो है वो बेसिकली आपके अडॉप्टेड है. अडॉप्टेड ठीक है. आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है. आंसर करेंगे सारे के सारे. आई हैव बीन अडॉप्टेड, आई अडॉप्टेड, आई वॉज अडॉप्टेड, नो इम्प्रूवमेंट. क्या करेंगे देखते हैं साहब ठीक है. आंसर करेंगे आप लोगों के सामने है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्क्रीन पे आ चुका है. आंसर करना शुरू करेंगे सारे के सारे. हाँ जी चलो वेरी नाइस वेरी नाइस. किलोमीटर्स होगा ना, किलोमीटर नहीं होगा. होगा तो किलोमीटर्स ही है ना, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी. अरे भाई वन, अब जब हम एक लगाते हैं तो किलोमीटर लगाएंगे, टू लगाएंगे तो किलोमीटर नहीं किलोमीटर्स करेंगे है ना. तो वालिया जी हम करेंगे यहाँ पे किलोमीटर्स नॉट किलोमीटर. फंक्शुक वांगडू हाँ क्लब लिखो, क्लब सर एस एल सब लिखो, प्लूरल लिख लिया. अच्छा हाँ हाँ वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है लेकिन सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब लेता आपके है ना. होता तो दिखता तो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लेकिन वर्ब सिंगुलर लेता है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे. तो किलोमीटर्स एकदम सही है. जो तो बच्चे किलोमीटर्स में कंफ्यूज हो रहे थे वो ध्यान रखें है ना, इट इज कम्प्लीटली करेक्ट. हाँ जी दीपू मलिक बी इज राइट. सोनीपत हरियाणा गैलेक्सी कोचिंग सेंटर. वाह वाह बहुत बढ़िया. चलो बी आंसर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे. ए आंसर कर रहे हैं, बी
देखते हैं क्या होने वाला बच्चों, है ना। तीन वर्ड आप लोगों के पास में है बच्चों। एक पहला वर्ड है आपके सामने अडेप्ट, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपके सामने अडॉप्ट, और तीसरा वर्ड है अडॉप्ट, ठीक है। तीन वर्ड आपके सामने है, एक वर्ड है आपके सामने अडेप्ट, दूसरा है अडॉप्ट और तीसरा है अडेप्ट, अडॉप्ट, है ना। और तीनों वर्ड्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, अडेप्ट जो है वो बेसिकली उसका मतलब होता है आपके स्किल्ड, है ना, काफी कुशल जो होता है, है ना। ही इज एन अडेप्ट पेंटर, वो एक अडेप्ट पेंटर है, मतलब बहुत ही स्किल्ड पेंटर है। अडॉप्ट का मतलब गोद लेना किसी आइडिया को, विचार को, या किसी भी चीज को। अडॉप्ट जो है वो मतलब टू अकस्टम, है ना, अपने आप को ढाल लेना, टू अकस्टम योर सेल्फ, अपने आप को किसी चीज के अनुसार ढाल लेना, है ना। जैसे कि वी अडॉप्टेड आवरसेल्फ टू दी कोल्ड टेम्परेचर, जो कोल्ड एटमोसफेयर है उसके साथ में हमने खुद को अडॉप्ट कर लिया, मतलब कुछ खुद को ढाल लिया, ना। अडॉप्ट का मतलब, अब यहाँ पे बेसिकली किसी चीज को, किसी आइडिया को अडॉप्ट करने के सेंस में, ग्रहण करने के सेंस में हमें अडॉप्ट का प्रयोग करना है। और चूंकि टेंस आपके पास इंडेफिनिट में है तो हम इसे पास इंडेफिनिट में ही रखेंगे, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और अडेप्ट और अडॉप्ट, है ना, ई वाला और ए वाला, इसका प्रयोग हम अलग तरीके से करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, अक्लीमेटाइज एक बच्चे ने लिखा है, हाँ अक्लीमेटाइज होता है साहब, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अच्छा मैं सामने आ, सर मुझे गायब वायब क्या कीजिए, मैं सामने आता हूँ, बच्चों को नजर नहीं आता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, आगे से ध्यान रखेंगे, है ना। अभी क्लियर होगा, अभी मैं सामने हूँ नहीं आप लोगों के, अभी आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू गाइज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों, ये लो जी, ये आ गया, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इफ यू आर, हाँ चलो साइड में इधर लेता हूँ, इधर लेना ठीक रहेगा। इफ यू आर, तो मैं जरा सामने नहीं आऊंगा, और आप लोग इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द टू बियर को अंडरलाइन करना, टू बियर अपॉन टू बियर विद टू बियर अवे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आंसर करेंगे फटाफट से। इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय ट्रैफिक, आंसर करो। नहीं है यार, फॉल एंड फेल का क्या डिफरेंस है, आई एम वेरी कंफ्यूज, क्योंकि फील की फॉल और फेल, फॉल का मतलब गिरना होता है और फेल का मतलब होता है गिराना। आई फेल द ट्री, मतलब मैंने ट्री को गिरा दिया, काट दिया, ना, मतलब किसी चीज को, और फॉल आप खुद गिर जाते हो, उस सेंस में यूज करते हैं। और फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल फेल फॉलन, और फेल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, एफ ई डबल एल, फर्स्ट फॉर्म एफ ई डबल एल ई डी, फेल्ड फेल्ड, है ना। ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। शुभम ठाकुर, I hope it is clear to you. हाँ देख लिया भाई, मैंने देख लिया ना, शुभम ठाकुर का, उस शुभम ठाकुर के कमेंट का मैं आंसर कर रहा हूँ। चलो बियर विद बच्चों ने आंसर किया है, और बिल्कुल सही आंसर है। बियर अवे जनरली कोई आपके फ्रेजल वर्ब नहीं होती, बियर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस करना, टू रिलेट और टू इन्फ्लुएंस समथिंग, है ना, किसी चीज से किसी का रिलेशन हो तो बियर अपॉन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज किसी चीज से मिल रही हो, उससे संबंधित हो, रिलेटेड हो, या उससे प्रभावित हो रही हो, तो बियर अपॉन का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, पेशेंस रखने के सेंस में और धैर्य रखने के सेंस में, किसी चीज को सहन करने के सेंस में, इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट यू शुड बी रेडी टू बियर विद द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय ट्रैफिक, तो उस पेशेंस के सेंस में हमारी जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है आपके टू बियर विद। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे टू हैव पेशेंस, है ना, धैर्य बनाए रखना, अगर आप जो है मार्केट प्लेस के नियर रह रहे हो तो तुम ध्यान रखो कि जो डिस्टर्बेंस ट्रैफिक कॉज किया करेगा उसके लिए तुम्हें धैर्य बनाए रखना, उसको आपको सहन करना पड़ेगा। तो सेंस में टू बियर विद, यहाँ पे विद का प्रयोग होगा, बियर अपॉन मीन्स टू रिलेट और टू इन्फ्लुएंस, बियर अवे जनरली कुछ होती नहीं है, तो ये आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ, तो छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, इसके ऊपर बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, इसे बड़ा कर देता हूं, है ना। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश दियर नेचर, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल जॉब्स आर डैश दियर नेचर, आंसर करेंगे सारे के सारे, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ दियर नेचर, हाँ जी आंसर करेंगे। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल
डैश ऑफ दियर नेचर आंसर करेंगे. इररिलेवेंट अंजलि वालिया इररिस्पेक्टिव सही आंसर आ गया. ठीक है हाँ देखो इररिलेवेंट का मतलब जिसका कोई सेंस नहीं हुआ ना, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं हो, इमेटेरियल नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा. सही आंसर आपके इररिस्पेक्टिव आएगा साहब. ऑल जॉब्स अब ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना जिनको थोड़ा सा भी अंग्रेजी की समझ है उन्होंने फट से देखते ही सब उनको पढ़ते अंदर से फीलिंग आ गई इररिस्पेक्टिव की ना. तो ये फीलिंग दूसरे बच्चों को भी अपने अंदर डेवलप करनी है क्योंकि लैंग्वेज में लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज के सेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप जो है पढ़ते ही देख लोगे ना. तो कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से उन्होंने देखते ही पता चल गया उनको कि यहाँ पे डी आने वाला है और जो उल्टे पुल्टे आंसर कर रहे हैं इररिलेवेंट इमेटेरियल वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा. इररिलेवेंट जिसका कोई रेलेवेंस नहीं हो मतलब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का सेंस ये है ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल है ना. चाहे उनका नेचर किसी भी तरीके का हो, चाहे वो कैसे भी जॉब हो ना, वो सारे रेस्पेक्टेबल है. मतलब कोई आदमी आईएएस ऑफिसर है तो वो भी बहुत रेस्पेक्टेबल है. अगर कोई आदमी स्वीपर है वो भी बहुत रेस्पेक्टेबल है ना. काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता. बात ये इंपॉर्टेंट है कि उस काम से आपको क्या सीखने को मिल रहा है. तो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, सीख जो है वो इंपॉर्टेंट होती है. ये मैटर नहीं करता कि काम छोटा है बड़ा है, कोई भी काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है ना. व्हाट मैटर्स इज द लर्निंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेंटेंस. और आई होप यू गाइज समझ आई होगी बात जो इसका इसका इंटरनल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है सेंटेंस का. तो यहाँ पे हमें इररिस्पेक्टिव करना था. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मधिका वॉज म्यूजिंग डैश दी डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट है ना, आंसर करेंगे. हाँ जी हाँ जी आंसर करेंगे. आशिकी नहीं करें यहां पे और पढ़ाई करें, पढ़ाई पे फोकस करें. चलो अलग अलग आंसर दे दिए. ठीक है तो म्यूजिंग ओवर का प्रयोग करेंगे हम. म्यूजिंग ओवर समथिंग होता है तो मधिका वॉज म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट. यहाँ पे ओवर आपके आंसर आएगा, अबाउट नहीं आएगा ना. सो ए इज द करेक्ट आंसर. तो म्यूज ओवर होता है और ओवर जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है उनका सही है. हाँ ध्यान रखेंगे इस बात का ओवर है ना. तो म्यूजिंग अपने साथ म्यूज अपने साथ में जनरली सबसे बेस्ट जो सूटेबल इसके साथ में प्रेपोजिशन होता है वो आपके ओवर होता है. और जिन बच्चों ने ओवर आंसर करा उन सबका करेक्ट हो गया, ध्यान रखेंगे इस बात का. टेक्स द प्रेपोजिशन ओवर राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. The lame boy tried to climb up the staircase without dash help. और ये भी बहुत ही easy question है, इसको भी फटाफट से हम cover कर लेंगे. ठीक है हाँ जी जल्दी से cover कर लेंगे इसको भी. हाँ जी हाँ जी बच्चों ने आंसर करना शुरू. द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट लिटिल, लिटिल नहीं आएगा, विदाउट सम नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा. सही आंसर है विदाउट आपके नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ में जो सही परफेक्ट वर्ड आने वाला है वो आपके एनी वन है. ठीक है सो द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट एनी हेल्प. सो एनी इज द करेक्ट ऑप्शन. हाँ एनी का प्रयोग नहीं करेंगे. लिटिल यहाँ पे है इसका मतलब थोड़ा होता है, ना के बराबर थोड़ा था. विदाउट और यहाँ पे ये सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे बिना किसी हेल्प के है ना, किसी या का सेंस है यहाँ पे और उस सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे एनी का प्रयोग करना है. ठीक है नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग करना है, परफेक्ट है साहब. ठीक है और दो नेगेटिव वर्ड तो वैसे भी ऑलरेडी किसी सेंटेंस में नहीं आ सकते. तो लिटिल तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी विदाउट आ चुका है. तो विदाउट आ चुका है तो लिटिल का प्रयोग यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होना है. ठीक है सम हेल्प नहीं आएगा, मैनी हेल्प नहीं आएगा, एनी इज द परफेक्ट वर्ड. सम इज यूज फॉर दी पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं
और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, विदाउट है अब पे तो एनी आना है, परफेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ जी, मैनी ए मैन वॉन्ट टू बी रिच क्विकली। हाँ जी, मैनी ए मैन वॉन्ट टू, हाँ बताओ एरर कहाँ पर है इस सेंटेंस में, एरर बताना है ना, बताओ मैनी ए मैन में एरर है, वॉन्ट टू बी में एरर है, रिच क्विकली में एरर है या नो एरर है। ये आपके सामने एक सेंटेंस है और इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एरर है बच्चों, देखना इसको ध्यान से, ध्यान से देखना, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस, थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, जस्ट देखना इसको ध्यान से देखेंगे। छोड़ दें, wants to be, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चूंकि मैनी ए जो है वो आपके ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है, मतलब सिंगुलर नाउन लेगा और जो वर्ब है वो भी आपके सिंगुलर ही आने वाली है। तो बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर करा है, हमें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो मैनी अ मैन की वजह से वॉन्ट का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, वॉन्ट इज नॉट राइट हियर, हमें वॉन्ट्स का प्रयोग करना है। और जिन बच्चों ने यहाँ पे वॉन्ट्स मतलब यानी कि बी पार्ट में एरर बताया वो उनका आंसर एकदम सही है, तो वॉन्ट्स टू बी आएगा और एकदम परफेक्ट आंसर आपने दिया है ना। मोहम्मद आमिर हुसैन, एक दिन में मैं पतला हो गया सर, आप पतले हो गए एक दिन में। सोमू सर, गंतव्य में दोबारा आ जाओ। अरे वाह यार, चलो वेरी नाइस। वन डे इज इट टेक ओनली वन डे टू फ्रॉम फैट टू फिट, वाह। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, द पीएचडी डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन। चलो जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, फटाफट से, बहुत जल्दी कर लिया हमने बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ निखिल सर, द पीएचडी डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कन्वोकेशन, द पीएचडी डिग्री। अच्छा, यहाँ पे कहाँ एरर है ये बताना है, सब बताओ एरर कहाँ पर है। सी वेरी नाइस, चलो सी में एरर है। चलो हाँ बिल्कुल सही, सी पार्ट में एरर है। अगर किसी को कोई डिग्री टाइटल ठीक है ये दिया जाए, ठीक है, तो दिए जा किसी डिग्री टाइटल को देने के लिए हमारे पास में जो परफेक्ट वर्ड जो है वो कन्फर है, कन्फर ऑन समबडी, ठीक है, कन्फर वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कन्फर है ना। कन्फाइड का मतलब तो एक अपने आप को छुपा लेना या अपने आप को लिमिट कर लेना होता है ना, तो यहाँ पे जो कन्फाइड वर्ड का इस्तेमाल किया है, विच इज दिस इज नॉट राइट, द राइट वर्ड इज कन्फर विच इज नॉट यूज हियर, सो दैट इज द रीजन देयर इज अ एरर ऑन दिस सी पार्ट, इन दी सी पार्ट, सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे इस कन्फाइड का प्रयोग जो है वो गलत किया गया है, इसकी जगह हमें कन्फर का प्रयोग करना है ना। तो जो बच्चे यहाँ पे सी को आंसर दे रहे हैं उनका परफेक्ट है, यहाँ पे सी में ही गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया, हमें कन्फाइड का प्रयोग नहीं करके कन्फर का प्रयोग करना है, ठीक है। विशाल जायसवाल सर, थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच।
चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, जल्दी से बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, शायद समझ नहीं आएगा विशाल को क्योंकि मैं लेट आया ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के चक्कर में थोड़ी सी स्पीड है हमारी सो, और वैसे भी अब ये बैच तो ये जो है हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया सारी चीज़ें, सो वी डोंट केयर अबाउट इट। चलो, ऑरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु डू हिज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर, ठीक है, चलो इस पे बताओ आंसर करो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। सेंटेंस का मीनिंग बताऊं, ऑरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु डू हिज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर, ऑरवेल जो है वो जितने भी ऑथर्स हैं है ना, उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन ऑथर है जो कि अपने जो भी जो अपना बेस्ट देते हैं किसको इरिटेट करने के लिए, रीडर को इरिटेट करने के लिए, टू इरिटेट द रीडर, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं, इरिटेट कर सकते हैं यार वो किसी भी इमोशंस को रीडर में क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑथर, तो ये इसमें ये गड़बड़ नहीं है कि कैसे इरिटेट कैसा आ गया, इरिटेट भी कर सकते हैं, रीडर को इरिटेट भी किया जा सकता है, ठीक है, और ये ऑथर की क्वालिटी होती है, इट ही कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ इमोशन, सो इरिटेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पता क्या, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि अगर मान लो सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिला, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ये एंटीसीडेंट होता है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब, ठीक है, और या फिर कोई प्रोनाउन हो वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होती है, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है, समझ आई बात, तो यहाँ पे देखो ये ऑथर्स जो है वो कैसा है, आपके ऑथर्स आपके प्लूरल है, ठीक है, ऑथर्स अगर प्लूरल है ना, तो यहाँ पे डू का प्रयोग करा है ना, हमने डज का प्रयोग नहीं करना था, अगर डज का प्रयोग करते तो गलत हो जाता ना, ऐसी हमें यहाँ पे हिज का प्रयोग भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे दियर का प्रयोग करना है, प्रोनाउन भी हमें प्लूरल ही लगाना है, क्योंकि इस ऑथर्स के लिए हमें प्रोनाउन लेके आना है, तो ऑथर्स के अकॉर्डिंग डू आया, और इस ऑथर्स के अकॉर्डिंग हमें हिज का नहीं दियर करना है, दियर बेस्ट टू इरिटेट द रीडर, क्योंकि यहाँ पे उन सारे ऑथर्स के बारे में बात हो रही है जो कि अपना बेस्ट करते हैं रीडर को इरिटेट करने के लिए, सो हु डू दियर बेस्ट टू इरिटेट द रीडर इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे हिज का प्रयोग गलत हो गया, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं यहां पे है ना, यहां पे ये बेस्ट जो है वो वर्ब एडवर्ब है ना, और जब हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हम एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करें, कुछ बच्चे जो है आर्टिकल ये भी बता रहे हैं कि बेस्ट से पहले द लगाओ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आप लोगों के सामने, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है ना, द स्क्रीन वर्क्स बेस्ट when you apply it at right places, यहां पे best जो है वो basically adverb है, और अगर हम superlative degree का इस्तेमाल इस तरीके से adverb के रूप में कर रहे हैं तो ये verb verb को qualify करने के लिए आ रहा है, इस वजह से हमें article the की जरूरत नहीं है, तो वी डू नॉट नीड आर्टिकल द, कुछ बच्चों का ये सवाल है ये क्वेश्चन है कि सर हमने आर्टिकल द क्यों नहीं लगाया, सो बेसिकली दिस वर्ड बेस्ट इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब हियर इन दिस सेंटेंस एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट यूजिंग आर्टिकल द बिफोर इट एंड द राइट सेंटेंस इज आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट
We have to use their in place of his. And this is the right construction. Apart from that, all those answers that you are giving here are not correct. I hope you guys understood it. बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है? चलो, कोई बात नहीं, एक अनलाइक हो जाने दो बेटा. You know, it's about मैं फर्क नहीं हूँ. I'm beyond these lying. मेरे को you know liking, like, dislike. मैं खुद कभी नहीं बोलता कि लाइक करो या डिसलाइक करो, जिसको जो करना है करो, ठीक है? सो आई होप यू गाइस गॉट इट. और आज हम 11 क्वेश्चन ही करा पाए, और ज़्यादा क्वेश्चन करा सकता था लेकिन थोड़ा सा टाइम कम मिला. चलो कोई बात नहीं, बट बच्चों आई विल सी यू टुमारो, कल मिलता हूँ मैं आपको. ये बात समझ आई होगी? हाँ जी. ठीक है, चलो ठीक है ना. तो बच्चों कल मिलते हैं आपसे कुछ अच्छे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में. टिल देन टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट. बाय बाय.